अगस्त 2018 में बैंकुवर द्वीप के तट के करीब शिकारी वेल के एक बच्चे की मौत हो गई। उसकी मां 17 दिनों तक बच्चे का शव अपने पास रखी रही। 2 साल पहले जाम्बिया के चिम्फुशी वन्यजीव अनाथालय ट्रस्ट में नोयल नाम की मादा चिंपांजी अपने बच्चे थॉमस के शव के दांत साफ करने की कोशिश करते हुए देखी गई थी। हाथी अपने परिवार के सदस्यों के अंतिम अवशेष तक बार बार आते हैं और हड्डियों को उलट पुलट कर देखते हैं। इन सबसे ज्यादा नाटकीय घटना 1972 की है। फ्लिंट नाम का एक युवा चिंपैंजी अपनी मां फ्लो के निधन से इतना दुखी हो गया कि उसने खाना पीना और समूह में मिलना जुलना बंद कर दिया। वो बच नहीं पाया। मां की मौत के एक दिन बाद ही वह चल बसा। शोक में अपनी जान दे देना मुमकिन हो या ना हो, मगर एक बात तो तय है, जैसा कि डॉक्टर बारबरा जेकिंग कहती हैं, प्यार करना और शोक मनाना इंसानों तक सीमित नहीं है, ये भावनाएं जानवरों में भी होती हैं। डॉक्टर किंग विलियम एंड मैरी कॉलेज से मानव विज्ञान की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और उन्होंने हाउ एनिमल्स ग्रीव किताब भी लिखी है। डार्विन ने भी माना था कि जानवर खुशी और दुख जैसी भावनाओं के लिए सक्षम है। प्लिनी द एल्डर ने हाथियों के शोक मनाने की कहानियां दर्ज की थी। फिर भी पिछली 2 सदी से वैज्ञानिक और दार्शनिक किसी मृत जानवर के प्रति दूसरे जानवरों के व्यवहार को शोक मनाने से हिचकिचाते रहे हैं। रिसर्च के दौरान डॉक्टर किंग ने महसूस किया है कि हम इंसान किसी जानवर में मानवीय लक्षण और भावनाएं होना स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्होंने एक मापदंड बनाया। यदि मृत जानवर का कोई करीबी संबंधी समाज से खुद को काट ले, खाना पीना और सोना छोड़ दे, कहीं आना जाना बंद कर दे और अपनी प्रजाति के अनुसार भावनाएं जाहिर करे, तो इसे हम जानवरों में मृत्यु के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया का व्यापक सबूत मान सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।